नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाना वैसे तो अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली उपाय है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर रोज सुबह जब सूर्य देव घर में हर तरह की प्रगति के लिए व समृद्धि के लिए प्रतिदिन पूजा पाठ की जाती है। धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में बहुत से छोटे छोटे उपाय बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है। यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ति की जिंदगी बदलते देर नहीं लगती। तो जल चढ़ाए उस समय बोलते ही है एक मंत्र। इस एक मंत्र को बोलने से आदमी रातों रात करोड़पति बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाना वैदिक कालों से बताया गया है। अनेकों पुराणों, भगवत पुराण, गीता पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, ब्रह्मा पुराण, इनमें भी बताया गया है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ाता है उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है या फिर सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। व्यापार तेजी से उन्नति करता है। जीवन में आ रही सभी परेशानियां सहज ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाना वैसे तो अपने आप में ही बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, लेकिन अगर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर थोड़ा सा कुमकुम मिला लेते हैं और थोड़ा सा मीठा डाल लेते हैं, जैसे कि गुड़ या फिर शक्कर, अगर ये डाल करके जल चढ़ाते हैं तो कहा जाता है कि सूर्यदेव की कृपा अति जल्दी प्राप्त हो जाती है। अति शीघ्र ही आप धनवान और योग्य बन जाते हैं सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए दोस्तों, इसी उपाय को और भी जल्दी करने के लिए, ताकि आपको प्रभाव और भी जल्दी मिले, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक मंत्र बताने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखें, हम आपको विधि बताएंगे और एक मंत्र बताएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसे डिसलाइक भी करें। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर एक जानकारी को बहुत ही मेहनत से ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए लेकर आते हैं। आपके लिए अनेकों अनेक गुप्त टोटके, गुप्त उपाय, गुप्त मंत्रों के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपने जीवन में खुश रह पाएं और दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांट सकें सिर्फ इस वीडियो को शेयर करके। इसीलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए आपको कभी भी शीशे, प्लास्टिक, स्टील, इन बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको सूर्यदेव को हमेशा ही तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो चांदी के लोटे से या चांदी के बर्तन से भी जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम होता है तांबे के लोटे से जल चढ़ाना। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आपको ब्रह्मपुत्र जो भी है, शनिदेव और यमदेव, इनकी भी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है सूर्यदेव को जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में कमजोर या फिर पाप ग्रह में बैठा हुआ शनिदेव ये भी मजबूत हो जाते हैं और आपके ऊपर अपनी कुदृष्टि डालने की जगह आपके ऊपर सुदृष्टि डाल करके आपके जीवन को यूं ही सफल कर देते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपको सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए और कौन से वे खास मंत्र हैं जिनका आपको प्रयोग करना चाहिए। केवल एक ही ऐसा मंत्र है जो गुप्त मंत्र के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे बोलने से आपके सभी पापों का नाश होता है, आपकी सभी समस्याएं क्षण भर में दूर हो जाती हैं, आप उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होते हैं और धन माया जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हम सूर्यदेव को नित्य प्रतिदिन जल तो चढ़ाते हैं लेकिन हमें कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी उपाय अपनी पूरी अगर विधि से ना किया जाए तो वह असर नहीं दिखाता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप सूर्यदेव को जल सुबह के वक्त चढ़ाते हैं तो ही आपको उसका फायदा देखने को मिलता है, अन्यथा इसका पूरा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय क्या है? सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय है सूर्य उदय होने के बाद से लेकर के अगले 3 घंटे, यानी सुबह के
सूर्य उदय से 3 घंटे का वक्त सूर्य देव को जल चढ़ाने का है। साथ ही साथ दोस्तों मंत्रों का उच्चारण, दोस्तों मंत्रों का उच्चारण करने से उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और आपको प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोग केवल जल लेकर आते हैं और जल चढ़ा देते हैं। सही पात्र से जल न चढ़ाना या फिर जल को सही तरीके से न चढ़ाना, पूरी विधि का इस्तेमाल न करना, उसमें सही डालने वाली चीजों को लोटे में न डालें या फिर मंत्रों का उच्चारण न करने से व्यक्ति को पूरा प्रभाव, पूरे उपाय का फल और पूरी मनोकामना की पूर्ति देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए दोस्तों आपसे बार बार निवेदन हम कर रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखें और मंत्र की पूरी जानकारी करें, और साथ ही साथ मंत्र जानने से पहले आप पूरी विधि को जान लें ताकि आप कहीं भी कोई गलती ना करें और पूरा प्रभाव देखें और अपनी सभी मनोकामनाओं को जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से पूरा होता हुआ देखें। दोस्तों जो आज की इस वीडियो में हम आपको मंत्र बताने वाले हैं, ये एक विशेष और गुप्त इच्छा पूर्ति मंत्र है। इस मंत्र